पोटेटोज भी है तो प्रॉन के साथ हम कुलचा में सर्व करेंगे प्रॉन को। अच्छा सोया चाप ऑलरेडी बॉइल्ड है तो हमारे पास एडवांटेज आ गया है, और ड्रम स्टिक है हमारे पास तो ये भी एडवांटेज है, पंजाबी लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। मैं दिल्ली से हूँ, मुझे पता है पंजाबी फ्लेवर अमृतसरी फ्लेवर क्या रखना चाहिए, तो मैं उसी चीज का एडवांटेज ले रहा हूँ। तो गोभी का क्या बना रहे हैं? पकौड़ा बना रहे हैं। पकौड़ा नहीं आंटी? तो फिर क्या बनाएगा आंटी? पकौड़ा एकदम कॉमन हो जाएगा। गोभी पराठा बना दे। नहीं गोभी पराठा नहीं, टाइम हमारे पास है नहीं ना, अभी गेस्ट आएंगे हमें इतने ऐसी बातें करते रहेंगे फिर तो लिया। एक तरफ कुआं एक तरफ खाइए, क्योंकि मेरे जो टीम है दोनों इतना एक्सपीरियंस है नहीं उनको, तो मेरे को लग रहा है कि जो भी काम करना होगा तेरे को ही करना होगा, क्योंकि अगर टीम एलिमिनेशन में जाती है तो साथ साथ तू भी जाएगा जाएगा। गोभी क्या करते हैं? बटर मसाला। बटर मसाला करते हैं। ओके ना उसमें नॉन वेज में क्या बना रहे हैं? फिश फिंगर फिश। अमृतसर फिश पक्का। स्वाद अच्छा होगा। हम लोग बना रहे हैं आज मलाई चिकन टिक्का एंड अमृतसरी समोसे एंड पुदीना चटनी। ठीक है डन है अपना मेन्यू। अमूल पनीर है हमारा, हम उसको अमृतसरी पनीर पकौड़ा कर लेते हैं। अभी नेक्स्ट हमारा नॉन वेज है चिकन। चिकन को अमृतसर गया तो अचारी उसको मैरिनेशन करते हैं, अचारी मैरिनेशन। अच्छा चलो करते हैं, टाइम नहीं है। जब अमूल पार्लर पे गए देख रहा हूँ हम लोग का भाई साहब आकाश जी सब सामान उठा के लेके आ रहे हैं, जो चाहिए जो नहीं चाहिए वो भी उठा के लेके आ रहे हैं। मुझे तो लग रहा है कि जो अमूल पार्लर है वो ग्रीन काउंटर के अंदर सेटल हो चुका है, और मुझे जो भी चाहिए मुझे उन लोगों से ही मांगना पड़ेगा। हमें सारी चीजें मिल चुकी हैं अमूल पार्लर से, बट एक चीज जो हमें पैंट्री में नहीं मिल रही वो अमूल चीज। फिर हमें पता चलता है कि सारा जो चीज है ग्रीन टीम नंदिनी के टीम ने पिक कर लिया है। हमें भी चीज चाहिए। मुझे चाहिए, इतनी लगेगी तो हमें भी अगर चीज जितना चीज चाहिए ले ले, बाकी दे देना। तो सारा चीज चाहिए तेरे को? मुझे आकाश पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है, क्योंकि आप चार पैकेट चीज नहीं लेके जा सकते जहाँ पे आपको 200 चीज की जरूरत है। कंपटीशन है, मुझे भी इमली चाहिए लेकिन मुझे इमली नहीं मिली है तो मैं कंफर्टेबल हूँ, तुम्हें चीज नहीं मिल रहा है तो तुम कंफर्टेबल हो जाओ। चीज ले लिया आकाश ने सब कुछ। क्यों? पता नहीं पागल है। सारा चीज के लिए सारा चीज कैसे ले सकते यार, कोई खेले वो चीज ना ले जाए, देखता रहिए मुझे दो चीज लगेगी तो लगेगी। प्रिंस दौड़ के आ रहा है, मुझे चीज दे दो या इधर से स्मूथ मुझे चीज दे दो या। तो आकाश किसी को दे ही नहीं रही है, हेल्दी कॉम्पिटिशन है, हेल्दी तरह करते है ना, इतना सेल्फिश वे से नहीं करना चाहिए। मैदा उठा। मैदा है कहाँ? मैदा ले लिया सब कुछ। हर्ष मैदा सारा लगेगा क्या? नहीं अभी दे रहा हूँ। जिंजर गार्लिक भी चाहिए थी। कौन लेके गया सारा जिंजर गार्लिक? जिंजर है वहाँ पे खत्म, वहाँ पे भी खत्म। इन लोग का जिंजर का है ये राइट, बहुत है जिंजर। मुझे नहीं पता ये कहाँ की सोच है कि आप सारा ही इंग्रेडिएंट उठा लो ताकि कोई और कोई इंग्रेडिएंट ना मिले, क्योंकि ये फेयर प्ले नहीं है। आप एक कंपटीशन में हो, हेल्दी कंपटीशन रखिए। मैं बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ अपने टीम को लेके, बिकॉज अविनाश और आकांक्षा बल्क में काम कर चुके हैं और उनका फ्लेवर्स का जो तालमेल है वो बहुत ही अच्छा है, और मेरा फ्लेवर और उन लोग का फ्लेवर मैच करता है। हम कॉन्फिडेंट है, 500 लोगों के लिए खाना बना रहे हैं, क्योंकि ज्यादा लोगों को खाना बना के दिया है तो आज करके देंगे हम। जिंदगी में पहली बार इतने लोगों को खाना खिलाने वाला हूँ तो बहुत एक्साइटेड लग रहा है अंदर से, और थोड़ा डर भी लग रहा है क्योंकि पता नहीं ये पुल अप कर पाऊंगा कि नहीं। पहली बार मैं मास्टर शेफ के इस किचन में कैप्टन बनी हूँ इस टास्क में, और मैं चाहती हूँ कि जो पंजाब के लोग हैं उनका मैं दिल जीतूं और उनकी सारी जेबें खाली करके अच्छी जीत हासिल करूं। शेफ विनीत हम पे भरोसा करके हमें ये दूसरा मौका दिए अपने आप को प्रूव करने के लिए, तो अपना जी जान लगा देना है। हर्ष और मुझे दोनों को प्रूव करना है आज कि हम लोग वीक कंटेंडर्स नहीं है। हमारी जो वेज डिश है उसका स्टार इंग्रेडिएंट है अमूल मलाई पनीर। ये हमारी डिश को है जो एक जो उसको बोलते हैं रिच एंड टेस्टी एंड हेल्दी, जो तीनों चीजों में वर्क करेगा। सो हमें होप है कि हाँ ये हमारी डिश को जो एक विनिंग टैग पे लेके जाए।
हाँ, मुझे लगता है आज अमूल चीज मेरा USP हो सकता है मेरे अफगानी फ्लेवर में, क्योंकि मेरे सारे मसालों को पकड़ देगा और साथ ही एक जो बटरी फ्लेवर है वो साथ में ये देगा। कंटेस्टेंट 30 मिनट खत्म हो चुके हैं, आपके पास सिर्फ 2 घंटे बाकी हैं मेहमान को आने के लिए। उसको स्पाइसी करो, स्पाइसी नहीं है। टेस्टी ना? नमक थोड़ा सा या। है वो स्पाइसी। बहुत स्पाइसी है यार। जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। और स्पाइसी बना है? हाँ, और स्पाइसी करो उसको। जब प्रिंस कह रहे थे ऐसे करो वैसे करो तो उल्का ने बिल्कुल भी नेगेटिवली नहीं लिया, हमने एक टीम की तरह काम किया और वो बहुत ज्यादा अच्छी बात है कि हमें कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा है। ब्रेड में काट सकते, काट सकते हैं? नहीं काट सकते, मच्छी काट के ही रखा हुआ यूज कर सकते हैं। तुम जो मैं दे रही हूँ वो करो। लो लो। नमक चाहिए? नहीं नहीं अभी नहीं, मेरे नहीं टोने दो, नमक और नहीं डालना, तेज हो रहा है। हाँ, नमक और नहीं नमक। नहीं वो एक तीखापन तेज हो रहा है। तीखापन, पंजाबी लोग है भाई, तीखापन तो खाएंगे। काम के स्टार्ट में हमारी कैप्टन गुस्सा हो रही है तो मुझे नहीं लगता कि कैप्टन को इस टाइम पे इतना गुस्सा होना चाहिए, क्योंकि टास्क बहुत बड़ा है, 500 आदमी को खाना बनाना है। अगर स्टार्टिंग में ही मुराल डाउन हो जाएगा तो हमारा खाना अच्छा तैयार नहीं होगा। अनियंस का ऐसे काम करना मुश्किल हो रहा है। अनियन तुम ऐसे चॉप मत करो ना, मैं इसीलिए तुम्हें बोल रही हूँ, तुम मिक्सी में घुमा देना, पल्स कर देना। तो मिक्सी हमारे पास एक ही है। हाँ हो जाएगा, अभी छोटा छोटा पीसेस करके ताकि मिक्सी में जा पाए वो करके रखो ना।